प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने घुंघराले बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। शाइनी स्ट्रेट बाल हर किसी को पसंद आते हैं, स्ट्रेट बाल हर किसी के फेस पर शूट भी करते हैं और इस तरह के बालों में कई तरह की हेयर स्टाइल्स भी बनाई जा सकती हैं। इसलिए हर लड़की चाहती है कि उसके बाल स्ट्रेट हों ताकि वो अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स बना सके। ऐसे में जिन लड़कियों के बाल नेचुरल स्ट्रेट नहीं है, वो अपने बालों को स्ट्रेटिंग मशीन या केमिकल्स द्वारा स्ट्रेट कराती हैं। बाहर किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर आप अपने बालों को बहुत आसानी से और कम वक्त में सीधे करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप खूबसूरती तो पा लेते हैं पर वो बस कुछ ही समय के लिए रहती है। रसायनों का इस्तेमाल और गर्म आयरन करने से हमारे बाल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसके कारण बालों में रूसी होना, बाल गिरना और कई भी नुकसान होने लगते हैं। इसलिए यदि आपको अपने बालों को बिना डैमेज किए स्ट्रेट करना है तो आपको घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने किचन में ही सामान मिल जाएंगे जिनसे आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ है गुनगुने तेल की मालिश। रोजाना गुनगुने तेल की मालिश आपके बालों को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने का सबसे आसान तरीका है। तेल की गर्मी घुंघराले बालों को कई हद तक सेटल करने में मदद करती है। गुनगुने तेल की मालिश के लिए नारियल, जैतून, बादाम का तेल सभी फायदेमंद है। इसकी लगाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तेल को हल्का गर्म करें, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक। उसके बाद इस तेल को अपने बालों पर लगाएं और स्कैल्प पर मसाज करें, फिर अपने बालों पर कंघी फेरें ताकि आपके बाल को धोते वक्त ज़्यादा टूटे नहीं। कम से कम आधे घंटे के लिए अपने बालों को गर्म पानी में भिगोए हुए तौलिए से ढकें। अपने बालों को शैम्पू, सौम्य शैम्पू से धोएं और उसके बाद चौड़े मुंह वाली कंघी से बाल सुलझाएं। इस तरह करने से धीरे धीरे आपके बाल का वेविनेस खत्म होता है। फिर मुल्तानी मिट्टी भी बेहद कारगर साबित होती है। मुल्तानी मिट्टी भी कुदरती तौर पर आपके बालों को स्ट्रेट करने में मदद करती है और माइल्ड क्लीजिंग एजेंट होने के कारण ही आपके बालों को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसके लगाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक कप में मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें एक अंडा और लगभग 4 चम्मच चावल का आटा मिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह से फेंट लें। बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लें और फिर मिश्रण को बालों में लगाएं। एक बात का ख्याल रखें, मिट्टी लगाने के बाद बालों को फोल्ड न करें और सीधा ही रखें। सूखने के लिए लगभग 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। इस पेस्ट को महीने में 2 से 3 बार जरूर लगाएं। इसके इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हो जाएंगे। फिर एलोवेरा का तेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा बालों की ग्रोथ में बेहद ही सहायक होता है। एलोवेरा में मौजूद तत्व आपके बालों को मॉइस्चराइज प्रदान करते हैं और उन्हें स्ट्रेट बनाते हैं। इसके लगाने की विधि हम आपको बता देते हैं। ताज़े एलोवेरा के जेल आधा कप गर्म तेल मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसे हेयर मास्क की तरह अपने बालों में लगाएं। 30 से 40 मिनट लगाकर फिर किसी शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल चमकदार और स्ट्रेट हो जाएंगे। फिर नारियल का दूध। नारियल के दूध में भी आपके बालों को सीधा करने की क्षमता होती है। यह न केवल आपके बालों को सीधा बनाता है बल्कि आपके बालों में चमक भी लाता है। इसके लगाने की जो विधि है, इसके लिए नारियल के दूध और नींबू के रस को मिलाकर मिश्रण बनाकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद यह एक क्रीम पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। आपको इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर मसाज करना है। इसके बाद हॉट टॉवल का इस्तेमाल करें, आधे घंटे बाद सिर धो लें। ऐसा हफ्ते में 5 बार करने से बालों को पोषण मिलता है और बाल स्ट्रेट और सिल्की हो जाते हैं। कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे अंडा आपके बालों को सीधा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए 2 अंडों को फेंट कर उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें, फिर इस पेस्ट को बालों में लगाएं। एक घंटे के बाद इसे शैम्पू से धो लें। इससे न केवल बाल सीधे होंगे बल्कि उनमें मजबूती भी आएंगे। फिर कुछ चम्मच सोयाबीन तेल और बराबर मात्रा में अरंडी के तेल को मिलाकर मिश्रण बना लें। फिर मिश्रण को गर्म करें और थोड़ा गुनगुना होने पर अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं।
बालों में मसाज करने के बाद 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से बाल धो लें। फिर बराबर मात्रा में दूध और शहद लें। इसे अच्छे से मिलाकर बालों को धोने से 1 घंटा पहले अच्छी तरह लगाएं। इससे रूखे और कर्ली बाल दोनों सही हो जाते हैं। फिर 2 पके हुए केले लेकर अच्छी तरह से मैश करें। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच दही, शहद और जैतून का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाकर आधे घंटे के बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें। इस पेस्ट में मौजूद दही, शहद आपके बालों को चमकदार और सीधा बनाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।